दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। विश्वात्मा, दीवाना, रंग, दिल का क्या कसूर जैसी कई सुपरहिट फिल्म्स देने वाली दिव्या जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन जाते जाते वह बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस की जिंदगी बना गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्लॉकबस्टर फिल्म मोहरा सबसे पहले दिव्या भारती को ऑफर हुई थी। खबरों के अनुसार फिल्म की कुछ शूटिंग भी दिव्या भारती ने की थी, लेकिन 5 अप्रैल 1993 में उनके अचानक देहांत की वजह से इस फिल्म की शूटिंग बंद हो गई। बता दें, उस समय दिव्या महज 19 वर्ष की थी। मोहरा फिल्म के निर्देशक राजीव राय उस समय दिव्या भारती जैसी ही एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे, लेकिन दिव्या जैसा चेहरा उन्हें कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बाद में उन्होंने इस रोल के लिए एक अलग ही चेहरे वाली रवीना टंडन को मौका दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये सिर्फ दिव्या भारती ही थी जिनके जाने के बाद रवीना की किस्मत ही खुल गई। बता दें, इससे पहले रवीना टंडन की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इनमें दिव्या शक्ति, परंपरा, एक ही रास्ता, जमाने से क्या डरना, इम्तिहान आदि कई फिल्में शामिल है। लेकिन मोहरा की रिलीज के बाद तो उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी जिनमें दिलवाले, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिद्दी आदि कई फिल्में शामिल है। दोस्तों, रोजाना ऐसी ही मजेदार और रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।